आपको ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर याद होंगी। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने एग्जाम में हिस्सा लिया था। अब उन पर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और नई नई बातें सामने आ रही। लेकिन एक सवाल है कि आखिर ये जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो इस कैटेगरी से एग्जाम देते हैं, आखिर उनको यूपीएससी में किस तरह के फायदे मिलते हैं? क्या अटेम्प्ट में फायदा मिलता है, क्या टाइमिंग में फायदा मिलता है, या फिर क्या कुछ चीजें उस कैंडिडेट को मिलती हैं? आज इस वीडियो में यही बात होगी कि यूपीएससी के जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं ना, यानी कि जो उस कैटेगरी से एग्जाम देते हैं, उन्हें किस तरह के लाभ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको सबसे मेन बात बता देते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी वाला, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला कैटेगरी है, इसमें जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उनको एग्जाम में किस तरह की सुविधा मिलती है, या फिर यू कह लीजिए किस तरह की छूट या राहत मिलती है। सबसे पहले जो जनरल ओबीसी या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं ना, उनको एग्जाम देने के लिए मैक्सिमम 9 चांसेस मिलते हैं। आपने नॉर्मल एक इंसान को देखा होगा कि जो सिविल सर्विस वाले एस्पिरेंट होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, उनको 6 मौके मिलते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, लेकिन आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 6 की जगह 9 मौके मिलते हैं। इसके अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी के जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, उनकी तो जो मौकों की संख्या है ना, वो तय ही नहीं कहेंगे। उनके लिए तो ये है कि वो जितनी बार एग्ज़ाम देना चाहे दे सकते हैं। इनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो कंपेंसेटरी टाइम चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये जो समय है ना, ये उन कैंडिडेट्स को मिलता है जो ब्लाइंडनेस या फिर लोकोमोटरी डिसेबिलिटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये जो कैंडिडेट होते हैं ना, इन्हें एग्ज़ाम में कुल 40 मिनट ज़्यादा मिलते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम अगर 3 घंटे का है ना, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 3 घंटा 40 मिनट मिलता है। 40 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा उनको दिया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम सेंटर और पर्सनालिटी टेस्ट में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो विकलांगता के कारण परीक्षा या फिर टेस्ट को प्रभावित नहीं होने देती। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी विशेष आवश्यकता के लिए रिक्वेस्ट करता है या फिर बोलता है कि भाई मुझे इस तरह के असिस्टेंट चाहिए, और वो मांग उनकी वाजिब भी है, तो ऐसे में यूपीएससी उनको वो सुविधा उपलब्ध कराती है। मान लीजिए किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उससे जुड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, यूपीएससी वो भी प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए किसी को देखने में समस्या है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यूपीएससी जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा यहाँ पर एज में भी छूट मिलती है। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, उनको 10 साल तक की छूट भी मिलती है। इसके अलावा जो पोस्ट होते हैं ना, उनमें भी आरक्षण मिलता है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर सारी चीज़ें देखें, तो जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आते हैं, जो इस कैटेगरी से एग्ज़ाम देते हैं, उनको जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसमें, टाइमिंग में, और साथ ही जो एज है, उन सब में रिलैक्सेशन मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनको किस तरह की राहत मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।